28 मार्च लोकसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन औरंगाबाद सीट से राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुशवाहा समेत 15 प्रत्याशियों ने भरा नामजदगी का पर्चा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण में औरंगाबाद संसदीय सीट के लिए नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार को आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा समेत कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। औरंगाबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन के अंतिम दिन कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। नाम निर्देशन करने वालों में आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा, राजपा के अजीत यादव, बसपा के सुजय कुमार, बीजेजेडी के शंभु शरण ठाकुर, अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी निर्दलीय शक्ति मिश्रा, सुजीत सिंह, अवध कुमार सिंह और अन्य शामिल हैं। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्राथमिकता गिनाए और अपनी जीत का दावा किया। आज नॉमिनेशन कर जाए थी वाह। हम जीत के प्रति आश्वस्त। जीतने के बाद आपकी दो प्राथमिकता क्या होगी? शिक्षा और नौकरी और रोजगार। कहाँ से रोजगार का सृजन करेंगे? जी मैंने सोचा है अभी, आप उसका खुलासा ना करें। क्या शुभ नाम हो गया आपका? मैं सुनेश कुमार, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम शक्ति मिश्रा है, देव क्षेत्र का निवासी हूँ। पूरे बिहार में देव प्रचलित है। आज तक तमाम नेताओं ने सिर्फ हमारे जिला को छलने का काम किया है, चाहे वो नहर के नाम पर हो, चाहे वो स्वास्थ्य के नाम पे हो, मेडिकल कॉलेज के नाम पे हो, चाहे वो सिंचाई के नाम पर हो, हर चाहे वो शिक्षा के नाम पे हो, सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया गया है। इसीलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी तमाम युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर आइए। और देव क्षेत्र में मैंने अनेकों कार्य किए हैं। आज देव क्षेत्र जगमगा रहा है। गरीब अगर असहाय होता है तो सिर्फ उसका एक सहारा है, वो है शक्ति मिश्रा। तो गरीबों का मसीहा बन के उभरा हूँ। गरीबों ने ही मुझे खड़ा किया है कि आपका हाथ मजबूत करेंगे ताकि हमारा सेवा और ज्यादा बेहतर रूप से आप कर सकें। पहला प्रहार होगा हमारा मेडिकल कॉलेज के ऊपर, और मुख्य प्राथमिक जो हमारा होगा वो होगा मेडिकल कॉलेज, पानी की समस्या जो किसानों को है वो, और तीसरा अच्छा पढ़ाई के लिए व्यवस्था, ताकि माँ मिट्टी और माइग्रेशन को हम पलायन होने से रोक सकें, बच्चों को बाहर जाने से रोक सकें। और ये कार्य मैं कर भी रहा हूँ। आप सब क्षेत्र में हमारे देव खड़ा हुआ ही नहीं हूँ, जबरदस्ती इन्हीं लोगों ने खड़ा किया है। तो जन समर्थन, जनता ही चुनाव लड़ रही है, और इस बार जनता की आवाज ही जीत की बुलंदी को प्राप्त करेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। यहाँ की बात कर रहे हैं औरंगाबाद लोकसभा की, यहाँ तो दो ही चल ही रहा है, राजपूत बताओ, राजपूत हटाओ, और बाकी विकास का मुद्दा गया तिल में, तिल लेने। अब तो निर्णय करना है यहाँ के जनता को कि क्या सोचते हैं। गठबंधन के लोग कहते थे कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रचार चल रहा है कि नहीं, अब कि गढ़ कबाड़ देना है। सोशल मीडिया पे आप लोग भी देख रहे होंगे। हम आए हैं मजबूत इरादा के साथ जनता का विकास के लिए। जनता का क्या क्या समस्या है हम लोग जड़ से जानते हैं, और ये पहले आप जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं या एनडीए के उम्मीदवार हैं, पहले उनसे पूछ लीजिए कि उनका क्या सोच है। अपनी सोच हम बताएंगे, लोग अगर जाएंगे उनको हम बताएंगे कि आपके लिए हम क्या चाहते हैं। मीडिया को बताने से कोई फायदा नहीं है, अंतिम में बताएंगे। पहले जो मुख्य उम्मीदवार हैं एनडीए या गठबंधन के, पहले उन लोगों की आप राय जान लीजिए कि किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद मेरी राय लीजिएगा। हम तो निर्दलीय हैं, सब दल में दलदल है सबसे अच्छा। नाम आपका? अमन कुमार सिंह। अमन कुमार सिंह, किसान हित में, युवा हित में काम करने का काम करेंगे। और जो हमारे यहाँ हमारे गांव की सड़क अभी तक कच्ची की कच्ची रह गई है, उसके लिए और गांव के लोग पूरे दमखम के साथ वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि से यहाँ के जो स्थानीय जो सांसद हैं वो आज तक नहीं कर पाए, उसको करके दिखाना है। और इसी के साथ हम अपना नामांकन आज कर करके लौट रहे हैं। पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता युवाओं ने रोजगार, दूसरा किसानों को भूखमरी से बचाया जाए, हमारे
नहर से कोई जो नहर है उससे दक्षिण जो किसान हैं जो बिहार से दक्षिण माने जाते हैं वो भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। उनके यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कृषि का कार्य सब ठप है, पानी पीने के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ के सांसद विधायक सब वादा तो करते हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे कर देते हैं पर काम करने की बारी में पीछे हट जाते हैं। लेकर के चलने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि जो भी पिछला दलित महादलित अगला सभी का साथ और समर्थन महागठबंधन परिवार के साथ है, हमारे साथ है। हम औरंगाबाद जिला में युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रभारी के रूप में भी हमने यहाँ काम किया है। हम संगठन अपने नॉमिनेशन किया है, क्या मुद्दे के साथ जा रहे हैं क्षेत्र में आप? किसानों को दोनों मैं चुनाव जीत कर जाऊंगा तो नेता नहीं किसान को बेटा बनकर काम करूंगा। जी मैं किसान का बेटा हूँ। चलिए बाबू, आपका प्रत्याशी ने आज नॉमिनेशन किया है, क्या मुद्दा, किस मुद्दे के आधार पर जाए? आज़ादी के बाद ये औरंगाबाद के नुगरा बाबू के धरती पर शेर सिंह राणा अजीत कुमार यादव को उम्मीदवार बनाए हुए हैं। जाति और धर्म को हटाकर एक नया भारत और नया बिहार बनाना है। हमारा बिहार 40 एमपी का राज है, गुजरात 17 एमपी का राज है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की बिहार में कोई कल कारखाना नहीं लगा हुआ है और न ही कोई यहाँ की मजदूर सही रूप से जी रहा है। जब गुजरात नौकरी करने जाता है तो बिहारियों के मार पीट कर भगाया जाता है। हम लोग मस्जिद और मंदिर के नाम पर वोट देते गए और सिर्फ दंगा और फसान होते रहा, इसलिए शेर सिंह राणा ने एक लोकतांत्रिक झंडा बनाया है कि जाति धर्म को हटाकर 36 कौम को लेकर चलेंगे और न हम किसी का अधिकार छीनेंगे और न हमारा कोई अधिकार छीने। पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी।